वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पेज नंबर 49 एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट्स सभी बच्चे अपने, और पेज नंबर 49 पे एनसीईआरटी बुक का टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पेज नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो आपको मैं इस लेसन में या पिछले लेसन में थर्ड फोर्थ लेसन में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि स्टूडेंट्स एटम जो है तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो आप तीन नाम लिखने होंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, भाई थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर इनके चार्ज के बारे में अगर आपसे पूछा कि बताओ इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, तो -1 चार्ज, प्रोटॉन पे +1 चार्ज और न्यूट्रॉन पे 9 चार्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 वहाँ पर दिया है, ठीक है, पेज नंबर 49 पे पहले तो चार क्वेश्चन दिए, वो आपको मैं करवा चुका हूँ इससे पिछली वीडियो में। अगले दो क्वेश्चन जो है अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज़ 1 एटॉमिक मास 4 यू एंड द 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो आपको न्यूट्रॉन्स बताने हैं। देखिए हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो भाई होता है 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 पर है, हीलियम 2 पर है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास जो है वो है 4। तो स्टूडेंट्स देखिए एटॉमिक मास इसका 4 कैसे हुआ ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए जो एटॉमिक मास है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका 4 यूनिफाइड मास कैसे हुआ, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है इसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 4U मास कैसे होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में कितना मास है, प्रोटॉन के पास भी क्या होता है मास जो होता है 1 यूनिफाइड होता है, एक प्रोटॉन के पास एक मास 1 यूनिफाइड है, इस तरह से एक न्यूट्रॉन के पास जो है एक मास होता है 1 यूनिफाइड मास होता है। तो स्टूडेंट्स एक यू इसका 2U हो गए, ठीक है। तो टोटल है कितने इसके पास, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो कितना मास हो गया टोटल, 2U = 4U, इसलिए 4U इसका जो है मास हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे स्टूडेंट्स चलिए आगे आ जाइए आप पेज नंबर 52 पर, ठीक है। पेज नंबर 52 पर है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करके बताने हैं, यही है ना क्वेश्चन, कार्बन एंड सोडियम। पेज नंबर 50 पर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पेज नंबर 50 पर दिए हैं। तो कंट्रीब्यूशन करके आपको बताना है कि भाई कार्बन और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करोगे भाई, समझो किस किस का बोल रहे हैं, कार्बन और सोडियम एटम का, ठीक है। तो कार्बन और सोडियम इन एटम्स के आपको इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन करके दिखाने हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। तो नील्स बोहर मॉडल क्या था, उसने कुछ शेल्स के बारे में बताया था भाई, K, L, M, N ये शेल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग शेल्स में रहते हैं, ठीक है। इसे शेल नंबर 1 बोलते हैं, दिस इज द शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है कंट्रीब्यूट करके बताने हैं। तो कार्बन का सिंबल स्टूडेंट्स होता है C, ठीक है, और सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है, ये इनके सिंबल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको लिखना होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको KLMN शेल्स में कंट्रीब्यूशन करके आपको इनके बारे में लिखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, क्योंकि 2n² आपसे आपने समझा है इसके बारे में, ठीक है। ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल आपने सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन का। उसके बाद जो है सोडियम के लिए 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल। एल शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में चले जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 8 1 इज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर मॉडल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ के एंड एल शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर फुल व्हेन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि अगर किसी भी एटम का, ठीक है, किसी भी एटम का के और एल, इन दो शेल्स की बात कर रहे हैं कि भाई के और एल शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, के भी पूरी तरह से भरा है और एल भी पूरी तरह से भरा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हुए। तो स्टूडेंट्स देखिए के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फुल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद, अगला तीसरा इलेक्ट्रॉन तो अगली शेल में जाएगा। एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब अगर के और एल शेल किसी भी एटम का कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई कौन सा एटम है, वो एटम के बारे में अगर पूछता है तो वो मिलेगा नियोन, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 जो है नियोन का ही होता है, ठीक है। तो आयन कोई भी हो सकता है लेकिन एटम जो है वो नियोन ही होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस किए हैं, आज हमने 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सब कुछ अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके।